एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। न्याय न मिलने पर लखनऊ में कार्यकर्ता एसएसपी कैंप कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। मैं अपनी मेरे को ओपरान चौकी पे देवा रोड पे पुलिस ने ओपरान चौकी वाले इंचार्जों ने और चार पांच पुलिस वालों ने मिलकर बेरहमी से बेमतलब के एक पैसे की मांग के लिए पैसा जो एंट्री के नाम का ये कुछ पैसा लेते हैं गाड़ियों का वो मैंने देना इस सरकार में बंद कर दिया है। क्योंकि मैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ने के बाद में मैंने सोचा है कि सरकार में पार्टी ये भी है सहयोगी पार्टी है सरकार की अभी भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उस चीज में अपने को गर्व महसूस करने लग गया हूँ कि भाई अभी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है भ्रष्टाचार से मुक्त कराने वाली तो मैं इसके साथ में जुड़ के मैंने इस हिसाब से सोचा था कि मैं उनको मना कर दिया एंट्री देने से तो उन्होंने इसी बहाने को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा मारा है मेरे पैसे छीन लिए। पूरा मामला लखनऊ के थाना चिनहट इलाके के देवा रोड अपट्रान चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा है। देवा रोड टेलको के पास गाड़ी कंटेनर खड़ा करने पर पुलिस ने दो दिन पहले सतीश शर्मा की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वहीं आरोप लगाया है कि अभी तक कोई कार्रवाई न करके पुलिस ने जबरन उसी व्यक्ति को 151 में बंद कर दिया और उसके पास रखे हुए 38,000 भी ले लिए। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।